के जो झटके हैं वो जबरदस्त तरह से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। आपको तीव्रता बता दें, इसकी 7.8 की तीव्रता, ये तीव्रता है रिक्टर पैमाने पर, भूकंप की तीव्रता 7.8 की बताई गई है और इसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने के लिए मिला है। अगर इसके एपिसेंटर की केंद्र की बात करें तो दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बताया जा रहा है, यूएसजीएस के आंकड़े हैं ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में, दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में केंद्र इसका बताया जा रहा है और इसका असर यहां भारत में, उत्तर भारत में देखने के लिए मिला है, जहां तेज झटके दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। 7.8 की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की बताई जा रही है, जिसका असर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में देखने के लिए मिला। कुछ वक्त तक दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बताया जा रहा है कि भूकंप का ये केंद्र रहा। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटके दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, 7.8 इसकी तीव्रता, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बताया जा रहा है, दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 7.8 रिक्टर पैमाने पर मापी गई है, यूएसजीएस के ये आंकड़े हैं। और आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम जगहों पर भूकंप के इन तेज झटकों को महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8, इसका केंद्र दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और उसका असर उत्तर भारत में देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की हैं जब भूकंप आया, पाकिस्तान की तस्वीरें जियो टीवी के हवाले से, जियो टीवी के जरिए से तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से घर की चीजें हिली हैं, पंखे, दूसरी तमाम चीजें, क्योंकि तीव्रता 7.8 रही है। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तब की जब भूकंप वहां पर आया और उसका असर यहां भारत में देखने के लिए मिला है, जहां उत्तर भारत भूकंप के झटकों से हिला है, तेज झटके यहां भी महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में। इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तस्वीरें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां इस भूकंप के केंद्र को बताया जा रहा है, जिसे 12 किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान, जहां पर भूकंप के ये तेज झटके आए, एपिसेंटर यही है, केंद्र यही बताया जा रहा है और तीव्रता 7.8। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान भूकंप का ये केंद्र रहा है और इसका असर यहां भारत में देखने के लिए मिला है। उत्तर भारत दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, यूपी, हरियाणा, सब जगह पर पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 7.8 रही है, कंपन, झटके, चीजों का हिलना, ये तमाम चीजें महसूस की गई हैं, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो काफी ऊपर है, 7.8 ये जानकारी मिल रही है और इसका केंद्र दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। बहुत शुक्रिया यूब बलोच, अपडेट दे रहे थे हमें खुशदार से। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध के कई शहरों में जिलजिला आया है, जिलजिले के झटके 1.5 से 2 मिनट तक महसूस किए गए। इसके अलावा खुशदार से भी पटीदन, हंगोरचा, मसूम, कल्लात और पंजगोर समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में जिलजिला आया है। खुशदार का बताया जा रहा है कि शहर और गिरदोनवाह में जिलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। हम अपने नुमाइंदे से अपडेट ले रहे थे, उनका कहना था जो नवाह में इलाके हैं वहाँ पे कुछ मकानात जो है गिर गए हैं, क्या नुकसान हुआ है अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो महकमा है मौसमियात की जानिब से अपडेट सामने आई है कि जलजले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा खुशदा से 120 किलोमीटर दूर दालबंदीन मरकज था और जो डेप्थ बताई गई है कि 10 किलोमीटर की गहराई में ये जलजा आया। तो जियो टीवी के सौजन्य से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जो कि भूकंप का केंद्र रहा। जो जानकारी जियो टीवी के माध्यम से मिल रही है वो ये कि सिंध के शहरों में इस भूकंप को महसूस किया गया, 1.5 से 2 मिनट तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए, कहीं कुछ मकान भी गिरे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जहां पर भूकंप का ये केंद्र रहा। कितना नुकसान हुआ है जान माल, इस बारे में